हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन में आपसे पूछा गया है, विच आईटी जाइंट हैज बॉट अ 7.73% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म, यानी कि जियो प्लेटफॉर्म में किस आईटी दिग्गज ने 7.73% हिस्सेदारी खरीदी है। तो यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर गूगल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गूगल। तो चलिए यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, ये जो स्टेक है 7.73% इसकी वैल्यू है 33,737 करोड़। और यहां पर आप देख सकते हैं इसी के रिगार्डिंग पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस डील से होगा क्या, दिस डील विल एक्सपेंड द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटाइजेशन अक्रॉस द इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, इसका मतलब है भारतीय रेलवे के प्रथम केबल स्टे रेल पुल का नाम क्या है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है, बोगीबील रेल ब्रिज, पांबन ब्रिज, आंजी खाद ब्रिज या फिर वेम्बनद ब्रिज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आंजी खाद ब्रिज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये जो ब्रिजेस हैं इनके बारे में कि ये कौन से स्टेट में है, ठीक है, और कौन सी रिवर पर लाई करते हैं। तो सबसे पहला है बोगीबील ब्रिज और इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर और ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर और स्टेट है असम। बात करते हैं पांबन ब्रिज की, इसकी लंबाई है 2.065 किलोमीटर और ये लोकेटेड है रामेश्वरम तमिलनाडु। और बात करें अगर वेम्बनद ब्रिज की तो इसकी लंबाई है 4.62 किलोमीटर और ये बेसिकली लाई करता है बैकवाटर्स ऑफ वेम्बनद लेक, पासेस थ्रू दी थ्री स्मॉल आइलैंड एंड लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, ये बेसिकली लोकेटेड है केरला में। और लास्ट में बात करते हैं आंजी खाद ब्रिज की, ये जो ब्रिज है ये कनेक्ट करता है कटरा और रीसी को जम्मू एंड कश्मीर में और इसकी लेंथ है 473.25 मीटर्स और यहां पर पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है आंजी खाद ब्रिज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 21 जुलाई या फिर 17 जुलाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 15 जुलाई। क्वेश्चन नंबर फोर, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मतलब है एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फिर से चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है शीशिन चैन, दूसरा है अशोक लवासा या फिर दिवाकर गुप्ता और लास्ट है टॉनी मैकडोनाल्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अशोक लवासा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर है मिस्टर अशोक लवासा की। और अगर बात करें कि एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है तो यहां पर मैं आपको बता दूं मसत्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। अगर बात करें हेडक्वार्टर की तो वो है बेसिकली फिलीपींस के अंदर और ये जो जगह है उसका नाम है मंडालू योंग। और बात करें एडीबी के फाउंडेशन डे की तो ये है इसका फाउंडेशन डे 19 दिसंबर 1966। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, हु हैज इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कोविड 19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर। तो यहां पर इसका मतलब है कि किसने विश्व की सबसे सस्ती कोविड 19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर का इजाद किया है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है, आईआईटी बॉम्बे, आईसीएमआर या फिर एम्स न्यू दिल्ली या फिर आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आईआईटी दिल्ली। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो डायग्नोस्टिक किट है इसको अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम दी डीसीजीआई एंड आईसीएमआर और इसका जो बेस प्राइस है वो है 399। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विच कंट्री हैज एंडेड हांगकांग स्पेशल ट्रेड स्टेटस, यानी कि किस देश ने हांगकांग की विशेष व्यापार स्थिति को समाप्त कर दिया है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है, इंडिया, रशिया, इसराइल या फिर यूएसए। तो इसका सही जवाब होगा यूएसए, ऑप्शन डी। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, विच स्टेट एयरपोर्ट हैज गॉट इंडियाज फर्स्ट कॉन्टेक्टलेस कार पार्किंग, यानी कि
किस राज्य के हवाई अड्डे को भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग मिली है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, केरला या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया है, कोविड-19 की वजह से, सो दैट की सेफ पार्किंग वहां पर हो सके। तो यहां पर जो भी कार पार्किंग के चार्जेस होंगे वो फास्टैग की मदद से कलेक्ट किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, हु हैज रिसीव्ड ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर द 2020। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एन चंद्रशेखरन एंड जिम टेकलेट, दूसरा है सुंदर पिचई एंड एडीना फ्राइडमैन, तीसरा है एक्सिस बैंक और लास्ट है HDFC बैंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एन चंद्रशेखरन एंड जिम टेकलेट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट GST रेट इज इम्पोज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स? इसका मतलब है अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर पर वित्त मंत्रालय द्वारा GST पर दर क्या लगाया गया है? तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 10%, 16%, 18% या फिर 14%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 18%। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी सवाल की, इंडियन रेलवेज टू गेट 100% इलेक्ट्रीफाइड बाय द एंड ऑफ विच ईयर? इसका मतलब है भारतीय रेलवे किस वर्ष के अंत तक पूरी तरह से विद्युतीकरण उसका हो जाएगा? तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 2025 तक, 2030 तक, 2024 तक या फिर 2027 तक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2024। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।